चूहा जबरदस्त वाला चूहा देखने को मिलेगा। नहीं, शांति से देख रहे हैं भैया। 20 रुपए जैसे आप देते हैं उसके बाद आपको मिलता है यहाँ का एंट्री। देखा तो ये जाना सनम उसी के लिए मैं ये भाई गुलाब का फूल। और हम लोग आ गए हैं बड़े थरिया जो कि है अभी कुम्हारी में, देख सकते हैं अभी ये गुलाब के फूल है जिनको हम लोग अभी यहाँ बेचने वाले हैं। लेकिन यहाँ कस्टमर नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ही देर में हम लोग को भी कस्टमर मिल जाएगा, इसका भी खरीदी हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग एंट्री कर। और यहाँ से अपन लोग जाने वाले हैं खैरागढ़। लेकिन खैरागढ़ का टिकट भैया जी कितना है टिकट यहाँ का? 5 रुपया। तो चलिए इधर का भी कुछ व्यूज आपको दिखाते हैं। जितना ही ज्यादा यहाँ की खूबसूरती है उतना। हटो वहाँ से, जल्दी हटो। तो गाइस मेरा कैमरामैन भी बहुत खतरनाक है। कैमरामैन जल्दी हटो। और इधर से दोस्तों ट्रेन की भी काफी जबरदस्त सुविधा है, क्योंकि इधर से हम लोग घूमते घूमते हम ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कैसे किस तरीके से चल रहा है ट्रेन। और यहाँ का जो व्यूज और लोकेशन है दोस्तों किसी विदेश से कम नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो गाइस हम लोगों को अपना फ्रेंड मिला है, और हमारा जो फ्रेंड है उन लोग को हम लोग दे रहे हैं फुल्लो भाई के लिए, और ये भाई है ये भाई को भी दिए हैं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम। ठीक भाई, तो गाइस इधर एंजॉय कर। हाय हाय, इतना सुकून मेरे, इतना सुकून है यार। इधर तो मुझे बार बार आने का मन करता है भाई। बिल्कुल आइए आप भी, हाँ एंजॉय कीजिए यहाँ का। तो गाइस खास ये जो फूल दिख रहा है ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर लोग के लिए है। देखा तो ये जाना, उसी के लिए मैं ये फूल लाया। इधर किस तरीके से माहौल बनी हुई है, काफी मस्त। ये देखिए भाई, इधर से तो क्रॉस हो गया, और ये देख रहा है इधर से किस तरीके से बना हुआ है। ये भाई पूरा पानी ही पानी है भाई, और इतना बारिश में पानी। ए भैया जी, इनको अच्छे से संभाल के रखना, जितना भी हमारा सब्सक्राइब है ना सबको वितरण कर देंगे कुछ, ठीक है? तो गाइस यहाँ से हम लोग घूम लिया, और इधर का एरिया देख सकते हैं काफी मस्त। अब यहाँ से देख सकते हैं इधर जो भोले बाबा का किस तरीके से मूर्ति बना हुआ है, शिवलिंग का आकार बीच तालाब पर बना हुआ है। भाई किसको किसको फूल दे रहा है, हाँ ऐसा बेईमानी नहीं करने का। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं, और तरफ से यहाँ का जो व्यूज है उसको आप देखते हैं। और जैसे ही सीढ़िया से ऊपर जाएंगे खुले आसमान जैसा यहाँ का व्यूज आपको नजर आएगा। चारों तरफ आप कवर कर सकते हैं एरिया, सभी एरिया, और मौसम भी काफी मस्त। यहाँ इधर देख सकते हैं राइट भाई है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से आओ भैया? हम बाजार अतरी छत्तीसगढ़ से। इतना दूर आप घूमने के लिए आए हैं? जी सर जी। अच्छा भैया, आपका नाम शुभ नाम जान सकते हैं? बहुत मुस्कुरा रहा है जी। माहौल ही अच्छा, इधर का माहौल काफी जबरदस्त लगा यार मेरे को। ऐसी होनी चाहिए भाई, मतलब बड़े तरिया जो फेमस है वो बिल्कुल हर जगह हर इलाके में ऐसी जो व्यूज और ऐसी खूबसूरती बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है घूमने लायक कहीं नहीं है। तो गाइस यहाँ से हमारा एक बड़ा फैन है जो सब्सक्राइबर भाई है वो मिला है, काफी हसमुख इसका चेहरा है। तो भैया जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यहाँ घूमने के लिए है, कैसा फील हो रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं। मैं यहाँ तरह ज्यादातर देख फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स एंड बॉयज ज्यादातर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ कैसा फील हो रहा है? मेरे हिसाब से तो ये कपल वाला होना चाहिए। तो आप नहीं आए, आप सिर्फ सिंगल आए भैया? मैं सिंगल आया हूँ यार। अरे यार, और गाइस उधर का एरिया देख सकते हैं अभी कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि जो उधर चारों तरफ से दोस्तों फुहारा के जैसे है, देखिए वो उधर चालू हो रहा है, और बीच में दोस्तों वो है शिवलिंग। जी हाँ, आप आओगे तो मजा ही आ जाएगा। भैया जी आप बहुत डांस कर रहे हैं, क्या बात है, खुशी हो रही है भाई। बहुत मिल गई। अच्छा क्या मिल गई? सेटिंग। ये सेटिंग क्या होता है जी? सेटिंग आपको नहीं पता? नहीं पता, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ।
सेटिंग एक पार्टनर होती है। क्या पार्टनर होती है सेटिंग? मैं तो मोबाइल का सेटिंग समझ रहा था। मोबाइल का मिल गया तो भाई सभी लोग मिल के हम भैया को बधाई देते हैं। और जो फोन है ये मेरा ही फोन है ऐसा लगता है भाई। मैं यहाँ जब आया ना तो मेरे जितना सब्सक्राइबर है वो सबको मैं फूल बांटते हुए आया। आप मेरे को मिले नहीं तो मिला ही नहीं तो फूल कहाँ से मिल गया मेरे को? तो एक आदमी दिया था। अच्छा मैं दो लड़की को दिया था भैया, तो लड़की हमें देगी वापस? मतलब वो लड़की फिक्स है। तो एक पुष्प दिख रहा है इधर और एक पुष्प भैया मेरे को आपसे शक हो रहा है। पुष्प कहाँ लुका है? ये सेटिंग उसके ही उनके दिमाग सोच ली सेटिंग बन गया नहीं हो अभी तक नहीं हुई। हम करा देते हैं आपसे। करवा ले यार, करा दे पक्का ना? पक्का। चलो ये फूल है ना इसको पकड़ना है और जो भैया है ना उसको देना है। अरे भैया तो नहीं हूँ। तो भैया को देना उसके पास है ना भाई है? उसके पास बहुत माल है। अम्मा है ना? नहीं नहीं अरे बुलाओ इधर। हाँ ठीक है बुलाते हैं। हाँ भैया इधर आ जाओ। भैया आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग भाई साहब पंजाब से आए। पंजाब से इतना दूर सिर्फ घूमने के लिए? यहाँ घूमने के लिए नहीं, इधर काम करते हैं ना। इधर काम करते हैं लेकिन यहाँ माहौल देखते हुए और मौसम मिलती है इधर आके इधर बहुत शांति मिलती है। हाँ माइंड फ्रेश होता है। शांति के नाम पे शांति ये जो देख रहा है भैया इसका माइंड कहीं और चल रहा है। शांति बोले ना? शांति तो कई वर्ड मीनिंग हो जाते हैं। शांति बहुत मिलती है सर। शांति बहुत मिलती है, वैसे भी शांति बहुत मिलती है। शांति बहुत मिलती है। चलो देखते हैं यहाँ कितने शांति मिलती है। एक भैया और है जो हमारे साथ जो आए हैं यहाँ बड़े तरिया घूमने के लिए राजस्थान से। कैसे भैया राजस्थान से आप यहाँ आए घूमने के लिए आए? तो कैसे लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। घूम बाजार है, गर्लफ्रेंड है यार, बहुत शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली आपको? शांति नहीं मिली। शांति शांता वगैरह मिल गई? नहीं शांतों के ग्रह यार। ओ भाई शांता भी होती है नाम। मेरे को तो शांति चाहिए भाई। शांति चाहिए, भैया को भी शांति चाहिए, मेरे को तो मिल गई। भैया आपको क्या चाहिए? सब अच्छा है यार, पूरा माहौल एकदम। माहौल अच्छा है कि माहौल अच्छा है भैया? शांति वांदी शांति चाहिए सब भाई। आपको भी शांति चाहिए यार। ये भैया आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा दोस्त है भाई, मेरा भी दोस्त है। हाथ मिला ले। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। थैंक यू। चलो चेंज कर देते हैं। ठीक है भैया। क्या चीज? शांति का चैन निकल रहे हैं। अरे भाई मैं चश्मा की बात किया हूँ यार, आप शांति की बात कर रहे हो। नहीं नहीं शांति का चैन निकल रहे हैं भैया, चश्मा क्यों करते हो? हाँ ये बात यहाँ सिर्फ चश्मे की हो रहा है, शांति या शांति की नहीं हो रही। ठीक है भैया कर देते हो। आप भी राजस्थान से आए कि पंजाब? राजस्थान से। राजस्थान सिर्फ यही घूमने के लिए आए? हाँ जी हाँ घूमने के लिए आए। भाई एक बार चश्मा आपको पहनने का मन कर रहा है मेरा? जी हाँ लीजिए जरूर। नीचे का जो व्यूज है और माहौल है उसको जानते हैं किस तरीके से यहाँ व्यूज और काफी लोग दूर दूर के जो एंजॉय करने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ जो बोट वगैरह लगा है, यदि उस पार इधर उधर घूमना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफी मस्त व्यवस्था बनाई गई है इस बड़े तरिया में। यहाँ एक बार आइए बिल्कुल और इंजॉय कीजिए। और शाम का मौसम किस तरीके से है और अभी भी लोगों की जो भीड़ बनी हुई है अभी देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभी तक जो भीड़ है आपको देखने को मिल ही सकता है हर टाइम और हर जगह। अंकल जी नमस्ते। गाइस देख सकते हैं बच्चों के लिए भी काफी अच्छा सुविधा और बच्चे को जो खेलने के लिए काफी मस्त और अच्छे तरीके से जो देख सकते हैं गाड़ियां हैं, अच्छा सुविधा दिया है लेकिन काफी मस्त लग रहा है यहाँ। तो भैया से जानते हैं, भैया जी जो बच्चों का खिलौना है वो किस तरीके से और कैसे रेंज में चल रहा है? 50 रुपीज भैया। 50 रुपीज लेकिन अच्छा बहुत अच्छा लगा यार ये जो बच्चों के लिए, मतलब आज ही ये चीज ओपनिंग हुआ है। ठीक है भैया फिर आते हैं और मिलते हैं। जरूर इंजॉय करा दिए इस वीडियो के माध्यम से बड़े तरिया का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे पहले बार मैं देखा हूँ और आप लोग भी शायद पहले बार इस छत्तीसगढ़ में आप देखने को मिला होगा इस तरीके से। तो तालाब नाम पर इस तरीके से व्यूज और नेचुरल तरीके से बनावटे आपको देखने ही नहीं मिले। चलिए गाइस यहाँ से अपन लोग निकलते हैं। चूहा जबरदस्त वाला चूहा देखने को मिलेगा, देखिए कितना बड़ा है, इसमें सवारी भी कर सकते हैं चूहे में। और चूहे का देख सकते हैं कान किस तरीके से है, लेकिन इसका जो मुंह नहीं है दोस्त चूहे का, ये देखिए इधर मैं सोच रहा था ये पंख है चूहे का, लेकिन पहले बार देखा हूँ पंख वाला चूहा। देख सकते हैं इधर बच्चों को खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए काफी मस्त और अच्छे तरीके से जो बनाए गए हैं, और इधर बच्चे खेल रहे हैं और काफी एकदम मस्त मजे में देख सकते हैं गाड़ी का एंजॉय कर रहे हैं। कैसे अच्छा लग रहा है? ये देखिए गुस्सा हो गया भाई। ये लो
ये नहीं बिगड़ रहा है भाई। इधर भी एक है बच्चों को खेलने के लिए, उछलने के लिए, इस तरीके से अच्छे से खिलौना बनाया गया है जिसमें बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। अच्छी तरीके से बनाया गया है यहाँ का एरिया और काफी मस्त जो शुरुआत भी है और अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है। चलिए गाइस अभी चलते हैं घर। तो यहाँ से होते हैं बड़े तरिया का जो एंट्री होने, तो देख सकते हैं 20 रुपए जैसे आप देते हैं उसके बाद आपको मिलता है यहाँ का एंट्री। और एंट्री गेट देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है और ऊपर का जो एरिया है वो भी काफी मस्त है। उड़ान देते हैं अच्छे से हाथी देखे दोस्तों, दोनों जो साइड है चारों तरफ से हाथी देखने को मिल सकता है। और इधर के एरिया में जो खिलौने बच्चे का खिलौने है वो भी आपको काफी मस्त देखने को मिल सकता है। मेन रोड है और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट जाता है जिला। आप जाने वाले देखिए मेरे पे फूल बरसा रहा है कुछ सब्सक्राइबर लोग, उनके लिए मैं इसको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ भैया। थैंक यू। ओके रोड किस तरीके से है, रायपुर सिटी का जो रोड है दोस्त, यहाँ से देखने को मिल सकता है किस तरीके से 20 और शाम का जो टाइम है। और इधर जस्ट आप एंट्री करते ही आपको दिख सकता है बड़ा तालाब का। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।